दोस्तों कहते हैं कि मेहनत एक ना एक दिन रंग तो जरूर ही लाती है, और आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी ही कहावत पर आधारित है, क्योंकि मैं आज बात करने जा रहा हूँ भारतीय क्रिकेट टीम के उन खिलाड़ियों के बारे में जो भले ही असफलता की मुकाम प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमेशा से उनके लिए सब कुछ ऐसा नहीं था। कुछ ने तो इतनी गरीबी का सामना किया है कि वह इस खेल में करियर बनाने की तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अपने संघर्ष और मेहनत के बलबूते न केवल उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई, बल्कि काफ़ी लंबे समय तक खेलते हुए खूब पैसे भी कमाए। जी हाँ दोस्तों, जिन खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है उमेश यादव को। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश के पिता कोयले की खदान में एक मजदूर के तौर पर काम किया करते थे, और एक समय तो ऐसा भी था कि उन्हें दो वक्त की रोटी मिलेगी या फिर नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं होता था। और यही वजह थी कि उमेश अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में पूरी करने के बाद सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद उन्होंने पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ट्राई किया, लेकिन दुर्भाग्य से इस एग्जामिनेशन में भी वह दो नंबरों से रह गए थे। और जब हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी, तब उमेश ने इसी दौर में क्रिकेट के कई सारे लोकल टूर्नामेंट खेलने शुरू कर दिए थे, लेकिन अपने मजे के लिए खेले जाने वाले इस खेल में उमेश यादव इतने अच्छे हो गए थे कि 3 नवंबर 2008 को उनका सिलेक्शन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विदर्भ क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने के लिए कर लिया गया। और फिर प्रोफेशनली क्रिकेट में करियर बनाने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी शानदार गेंदबाजी से पूरी दुनिया में नाम कमाया। तो दोस्तों, अपने शुरुआती समय में गरीबी से जूझने वाले जो दूसरे खिलाड़ी हमारे लिस्ट में हैं, उनका नाम है रविंद्र जडेजा। दरअसल रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में वॉचमैन के तौर पर काम किया करते थे, और उनकी सैलरी कुछ खास अच्छी न होने की वजह से बचपन में जडेजा और उनके परिवार वालों को काफ़ी गरीबी का सामना भी करना पड़ा। और आर्थिक हालत बहुत अच्छी न होने की वजह से रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध चाहते थे कि रविंद्र जडेजा इंडियन आर्मी में जॉब कर ले, लेकिन जडेजा को अपने पैशन पर पूरा विश्वास था और इसी वजह से वह अपने खेल को दिन ब दिन निखारने में जुटे रहे। हालांकि एक समय जब उनका सिलेक्शन होने ही वाला था, तभी 2005 में अपनी माँ को एक एक्सीडेंट में खोने के बाद जडेजा इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन करीबी लोगों के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद से जडेजा ने फिर से क्रिकेट में अपना ध्यान केंद्रित किया। और 2006 में पहली बार अंडर 19 में जगह बनाने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और फरवरी 2009 में भारतीय क्रिकेट टीम में उन्होंने अपनी जगह बना ली। और दोस्तों, इसी तरह से हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी हैं, उनका नाम है मोहम्मद शमी। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली एक किसान थे। हालांकि क्रिकेट के खेल में भी उन्हें काफ़ी दिलचस्पी थी और वह अपने युवावस्था में एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, और क्रिकेट में दिलचस्पी रखने की वजह से वह चाहते थे कि उनका बेटा भी भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो। और इसी वजह से आर्थिक हालत अच्छी न होने के बावजूद भी कैसे भी करके उन्होंने अपने गांव से 22 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में शमी को क्रिकेट सीखने के लिए भेजा, और यहां पर शमी ने भी अपने पिता को निराश न करते हुए जी तोड़ मेहनत की, और आज रिजल्ट तो हम सबके सामने है। और दोस्तों, इसके अलावा भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के घर की आर्थिक हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उन्हें अपना बचपन मम्मी पापा से अलग रहकर बिताना पड़ा। दरअसल खराब आर्थिक हालत की वजह से वह अपने दादा दादी के पास रहा करते थे। हालांकि रोहित के खेल से प्रभावित होकर कोच दिनेश लाड ने उनकी काफ़ी सहायता की, और फिर आर्थिक मदद करते हुए उन्होंने रोहित का एडमिशन स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में करवा दिया, जहां पर क्रिकेट की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध थी। और फिर एक बार रास्ता पकड़ने के बाद से रोहित ने भी सभी को इतना प्रभावित किया कि लिस्ट ए में जगह बनाने के बाद 2007 में भारतीय नेशनल टीम की तरफ से भी उन्होंने डेब्यू कर लिया। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भले ही इन खिलाड़ियों ने अपने शुरुआती समय में काफ़ी गरीबी का सामना किया, लेकिन दृढ़ निश्चय और मेहनत से उन्होंने सभी को दिखा दिया कि अगर सच्चे दिल से कुछ भी ठान लिया जाए तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी पाया जा सकता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।